सब कैसे फाइलम फिर से एक बार में नाजिया कलीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं गाजर का मीठा। चलिए आज हम इसे रेडी करते हैं। ये 2 किलो गाजर है, इसे अच्छे से वॉश कर लेना और अच्छे से खुरप लेना है, ठीक है, फिर मिलते हैं। चलिए अब मैंने इसे अच्छे से खुरप दिया है। इस तरीके से खुरप देना चाहिए गाजर को, ठीक है। अब जो मेटेरियल यूज होते हैं हम वो बता रहे हैं, घी, काजू, बादाम, इलायची पाउडर, 1 कप मिल्क, शक्कर, ये गिलास से 2 गिलास शक्कर ले लेंगे, ठीक है। इसमें डालते हैं घी, घी अच्छे से हीट हो जाना है, चलिए अच्छे से घी मेल्ट हो गया है और घी भी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो खुरपे हुए गाजर है वो डाल देंगे, ठीक है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे घी को और गाजर को, और इसे मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट रखना चाहिए क्योंकि हमारा गाजर गल जाएगा। चलिए ये अच्छे से हो चुका है 20 मिनट में, देखिए घी और हमारा गाजर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं मिल्क। चीनी अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे 15 मिनट रखते हैं। दूध और शक्कर के पानी से ही हमारा गाजर गल जाएगा। चलिए अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारा दूध और शक्कर का पानी कितना छूटा है हमारा गाजर में। अब हम इसी के अंदर इलायची पाउडर, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, इसे और हाई फ्लेम पे 10 मिनट पकाते हैं। चलिए अब हमारा गाजर का मीठा रेडी हो चुका है, देखिए किस तरह से ऊपर घी आ रहा है, पानी भी सूख गया है। चलिए देखिए हमारा गाजर का मीठा रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व के लिए निकालते हैं। रेडी हो चुका है हमारा गाजर का मीठा, और फ्रेंड्स बताइए कि हमारा मीठा कैसा लगा आप लोग। ये आसान रेसिपी है, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।